तो सर, जैसे कि आज 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के मौके पे आपने रंभा चौकी में आज भारतीय ध्वज फहराया है, तो उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हमारे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सभी शिक्षण संस्थानों पर या फिर कोई भी सरकारी कार्यालय है उस पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इसलिए हमने भी रंभा चौकी में आज दिन की शुरुआत अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर व लोगों में मिठाइयां बांटकर की। जी सर, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा युवाओं को यही संदेश है कि देश की सेवा किसी भी सुरक्षा एजेंसी या मिलिट्री में रहकर ही नहीं, बल्कि एक अच्छे नागरिक बनकर भी की जा सकती है। उनको मेरा यही संदेश है कि नशे के प्रति भी लोगों को जागरूक करें और खुद भी नशे से दूर रहें और देश के सम्मान और मान सम्मान के प्रति पूर्ण रूप से कार्य करें। सर, जैसे कि आज आपने 26 जनवरी पे तिरंगा फहराया है अपने रंभा चौकी में, तो युवाओं के लिए कुछ बढ़ चढ़ कर, जैसे कि सेना में आजकल बहुत ज्यादा लोगों का रुझान बढ़ रहा है कि सेना में जाकर देश की सेवा करें, तो ऐसा है कि सेना में जाकर ही देश की सेवा कर सकते हैं नवयुवक? नहीं, सेवा तो किसी भी रूप में की जा सकती, जरूरी नहीं कि सेना के माध्यम से, एक अच्छे नागरिक बनकर भी देश की सेवा की जा सकती है। काफी हमने देखा है कि बहुत आजकल सुरक्षा एजेंसी वैसे भी काम करती हैं और कुछ कमेटियां बनाई गई हैं लोगों की सेवा के लिए, उनको भी तैयार करके या फिर उनमें भी कार्य करके लोगों की सेवा की जा सकती है। जैसा कि आजकल सुनने में आ रहा है कि हरियाणा और पंजाब में नशा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि किस तरफ से नशे की जो लत युवाओं में लग रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफी तौर पर नशा नौजवानों पर हैवी हो चुका है। मेरा अपने उन नौजवान साथियों से, भाइयों से निवेदन है कि कृपया नशे से खुद भी दूर रखें और दूसरों को भी दूर रहने के लिए प्रेरित करें, ताकि स्वच्छ भारत का, राष्ट्र का निर्माण स्वच्छ हो सके। सर, इसके लिए प्रशासन कौन कौन सी कार्रवाई या कौन कौन से कदम उठाना चाहेगा? प्रशासन की तरफ से, चाहे वो पुलिस प्रशासन है या फिर सरकार के किसी भी क्षेत्र की तरफ से जो भी कार्य रूप में मिलते हैं, उनको करना उनका कर्तव्य होता है। और पब्लिक, यदि कोई जनता का कोई सदस्य है इसमें आगे आता है, तो उसकी हर प्रकार से सहायता की जाएगी। और सभी देशवासियों से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया सभी अपने राष्ट्र देश भारत के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करें। मैं भी अपने जीवन पर्यंत तक अपने राष्ट्र भारतवर्ष के लिए कार्य करूँगा। जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं इसके लिए समर्पित रहूंगा। मेरे सभी देशवासियों को हम सब की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।